नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। वंदे भारत मिशन के तहत पहले दो दिन में विदेशों में फंसे 1498 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को लेने का क्रम गुरुवार से शुरू हुआ है। वंदे भारत मिशन के तहत पहले दो दिन में 17 बच्चों समेत 1498 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। इस मिशन की शुरुआत 7 मई को की गई थी और पहले दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 9 शिशुओं सहित 363 लोगों की वतन वापसी हुई थी। शुक्रवार को एयर इंडिया की दो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 4 उड़ानों में 8 शिशुओं समेत 195 भारतीयों को देश वापस लाया गया था। बता दें कि विदेश से आए सभी भारतीयों की एयरपोर्ट पर कोरोना जाँच की जाती है। यात्रियों के आते ही सबसे पहले थर्मल स्कैनर के माध्यम से जाँच की गई, इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य सहायता डेस्क के पास भेजा गया। यहाँ इन्हें इस बात की सूचना दी जाती है कि कैसे वे खुद से कुछ समय के लिए क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार लक्षण वाले लोगों को तुरंत एक अलग क्षेत्र में ले जाया जाएगा और प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद उन्हें नजदीकी राजकीय अस्पताल में भेजा जाएगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपने घर पर ही क्वारंटाइन होने की अनुमति है। सभी यात्रियों के सामान को उन्हें सौंपने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज भी किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।